मौजूद है प्रेयर हॉल में। ये कब बना, किसने बनाया और इसकी लोकेलिटी क्या है, ये सब आपको आज हम बताएंगे। सबसे पहले बात कर ली जाए इसके महलोकू की, तो इसकी एक जानब अब्दुल्ला हारून रोड है जो कि पहले विक्टोरिया रोड थी, और दूसरी जानब फातमा जना रोड जो कि पहले बंस रोड थी। इसकी तामीर का आगाज 1863 में हुआ और 1865 में इसे मुकम्मल कर लिया गया। इसका तर्ज तामीर वेनेशियन गॉथिक तर्ज का है और इसके आर्किटेक्चर हेनरी सेंट क्लेयर विल्किंस थे। फेयर हॉल का नाम सर हेनरी बॉटल एडवर्ड फेयर के नाम पर उनकी वफात के बाद रखा गया। इससे पहले इस हॉल का नाम कुछ और था। सर हेनरी बॉटल एडवर्ड फेयर एक बरतानवी एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने सिंध भर में काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाई और सिंधी जबान को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनाया जो कि पहले फारसी थी। फेयर हॉल यहाँ पर मुनक्कित किए जाने वाले बेशतर इवेंट्स और नुमाइशों की वजह से मशहूर है। यहाँ एक लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे हजारों की तादाद में किताबें मौजूद हैं। कुछ किताबें सदियों पुरानी हैं और कुछ किताबें हाथ से लिखी हुई हैं। फेयर हॉल में सबसे खूबसूरत चीज जो देखने को मिलती है वो है म्यूरल। हॉल की एक छत जिसको पाकिस्तान के मशहूर मुसव्विर साद कैन ने अपने फन से सजाया है जो कि देखने में एक शाहकार लगता है। अगर आप इतवार वाले दिन यहाँ का रुख करते हैं तो आपको यहाँ खासी रौनक दिखाई देगी और साथ ही साथ इतवार वाले दिन यहाँ बुक स्टॉल्स भी लगते हैं। अगर आप किताब पढ़ने का शौक रखते हैं तो यहाँ आना तो बनता है। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की डिस्कवरी। मजीद डिस्कवरीज के लिए देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।